तो गाइस देखिए, ये है हर्बल पार्क और हम हर्बल पार्क आ चुके हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको हर्बल पार्क। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुरादाबाद का काफ़ी फेमस पार्क है हर्बल पार्क। आज हम उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे उसे, और रास्ता भी दिखाऊंगा आप कहाँ से, अगर आप मुरादाबाद आ रहे हैं तो आप कहाँ से हर्बल पार्क जा सकते हैं। तो जो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने रास्ते की जाने की, वो कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह चौक। तो गाइस, ये है पूरी चौधरी चरण सिंह चौक, और यह जा रहा है NH 24 जो सीधा कागन जा रहा है। तो सीधे चलते हैं, और हमारे साथ हैं शिवा जो आज ड्राइव करेंगे। शिवा भाई, हेलमेट लगाओ। तो गाइस, पूरा हम सेफ्टी के साथ जाते हैं, हेलमेट मास्क सब लगाते हैं। मास्क में वीडियो बनाने के लिए उतारता हूँ, वैसे मैं लगाता हूँ जो वीडियो बनाने के लिए मुझे उतारना पड़ता है। चलिए चलते हैं हर्बल पार्क, और मैं दिखाता हूँ आपको। ब्लॉग में बने रहें गाइस, और गाइस ब्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें अभी से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए चलते हैं गाइस, हम चल रहे हैं NH 24 पर जो दिल्ली को जाता है, दिल्ली रोड भी इसे कहते हैं, दिल्ली रोड। तो गाइस, ये जो जा रहा है सीधा रास्ता, वो जा रहा है गागन को। गागन से हम एक शॉर्टकट लेंगे जो राइट से होता है, वो आप सीधे भी जाके आगे से, मतलब न्यू MPD से भी जा सकते हैं, पर हम जो जाएंगे वो जाएंगे गागन से। तो चलिए चलते हैं सीधे, फिर लोग को इंजॉय करें। देखिए, ये है मारुति सुजुकी का शोरूम, मारुति सुजुकी अरीना। यहाँ से हमारी कार आई है, जो आई है वैगनार, जो आप देखते हैं, यहीं से ली थी हमने। तो आगे है गागन, और ये है काफ़ी फेमस मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर। इसका ब्लॉग भी हम बहुत जल्दी बनाएंगे, एक सेपरेट ब्लॉग। तो गागन आ गया है आगे, जल्दी चलते हैं। गाइस, ये है गागन का चौराहा, जहाँ पुलिस हमेशा रहती है, यहाँ पे चेकिंग वगैरह भी होती है। तो हम ऊपर से जाएंगे, क्योंकि हमें लेना है इधर से एक शॉर्टकट। तो ये चल रहे हैं हम गागन के पुल पर। तो एक रास्ता नीचे से जा रहा है, जो लोग सीधा जाना चाह रहे हैं वो नीचे से भी जा सकते हैं, और लोग ऊपर से भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर से भी आप जा सकते हैं। ये आ गई है गागन नदी। तो ये जो राइट में अब ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है सीधा हर्बल पार्क। तो चलिए चलते हैं हम। तो ये शॉर्टकट है काफ़ी अच्छा हर्बल पार्क, और इधर का व्यू गाइस बहुत अच्छा है। अगर आप फोटो शूट करना चाहते हैं, नीचे पत्थर वाली लोकेशन है, मैं आपको रुक के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर लोग गाइस देखिए, कितना बढ़िया व्यू है, चारों दोनों तरफ घास ही घास, मतलब पेड़ ही पेड़, और काफ़ी शांत इलाका है इधर का। तो गाइस देखिए, ये है काफ़ी अच्छी लोकेशन जो फोटो शूट के लिए मैं कह रहा था। नीचे पत्थर से हैं, गिरजा देवी वाली फील आती है, यहाँ पे फोटो आप खिंचवा सकते हैं। और ये गागन नदी है जो उधर, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखिए वो है गागन नदी जो जा रही है। और हर्बल पार्क है यहाँ पे, सीधा जाना है, थोड़ा सा ही बचा है। तो चलिए चलते हैं, और शिवा भाई कैसे लग रहे हैं हेलमेट में, देख सकते हैं। तो गाइस, हम बैठ चुके हैं बाइक पे और सब जा रहे हैं हर्बल पार्क सीधा। तो चलिए चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको। काफ़ी अच्छी उनका हवा चल रही है आज, मौसम भी काफ़ी अच्छा है ब्लॉग बनाने के लिए। धूप वाला है नहीं, हम 4 बजे निकले हैं, तो 4 बजे धूप रहती है अधिकतर, पर आज नसीब अच्छा है तो धूप है नहीं। तो देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं सीधे रास्ता, कितना बढ़िया है। हम ले लेंगे लेफ्ट, तो ये चल देखिए लेफ्ट ले लिया है, और यहाँ से बस आइए, जो इधर आपको बाउंड्री दिख रही है वो हर्बल पार्क की बाउंड्री है। और ये सामने है गोल चक्कर, यहाँ पे लोग कार भी सीखते हैं, जो मैंने भी कार सीखी थी शर्मा ड्राइविंग स्कूल पर, वो भी यहीं सीखी थी मैंने। तो यहाँ से सीधा देखिए वो हर्बल पार्क आने वाला है, तो इधर से हम इधर से ले लेंगे। तो ये हर्बल पार्क गाइस, जैसे हम पहुंचे, हमने देखा ये तो हर्बल पार्क निकला बंद, ये बंद पड़ा है, मतलब इसकी मेन गेट जो है, ये एंट्रेंस, ये बिल्कुल बंद है। अब चलिए भैया से बात करते हैं, ये किस किस दिन बंद रहता है, लगता है ये संडे में बंद रहता है, ये देख, चलिए पूछते हैं भैया से। बंद रहता है पार्क संडे में, बंद रहता है, और किस दिन?
सैटरडे संडे। तो गाइज हो चुका है पोपट, क्योंकि हर्बल पार्क निकला बंद, क्योंकि हम इसके अंदर अब जा नहीं सकते क्योंकि आज संडे, क्योंकि संडे और सैटरडे ये रहता है बंद, हमने भैया से जैसे पूछा। तो चलिए चलते हैं अब घर, थोड़े फ़ोटो खिंचवा के रास्ते में, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अभी हो चुका है बहुत बड़ा पोपट, हर्बल पार्क निकला बंद क्योंकि हमें पता नहीं थी सैटरडे संडे वो बंद रहता है। मैं सोच रहा था आज आपको पूरा हर्बल पार्क दिखाऊंगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ गागन नदी बिल्कुल पास से। देखिए ये गागन नदी वहीं जा रही है बिल्कुल पुल पे, और देखिए वो बेटा शिवा आजा आजा। तो अब हम यहाँ थोड़े फोटो खींच के घर चले जाएंगे, क्योंकि आज क्योंकि हो चुका है पोपट। शिवा भाई कैसा लगा पोपट होता हुआ? बुद्धि खराब कर गया बिना बात के। नहीं आपको हम तुमने तुम्हें भी नहीं पता थी ये बंद रहता है संडे में? हमने तो खुलवा रखा है, जब हमें पता होगा। क्योंकि गाइस हम आते हैं यहाँ पे बहुत कम, मैं ये आई थिंक सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ, बस मैं एक बार आया था यहाँ। तो गाइस एक बार भी मतलब फेंकने वाले हैं नदी में, मतलब एक बार भी मैं आया था, वो सिर्फ कार सीखने आया था, बाहर बाहर से अंदर मैं गया नहीं हूँ। तो आज मैं जाता, तो चलिए थोड़े फोटो खिंचवाते हैं यहीं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस हमने फोटो खींच लिए हैं, काफी पसीना आ गया है, और ये लोकेशन पे हम खींच रहे थे फोटोज। तो गाइस देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, व्यू देखिए पीछे का। तो गाइस आपको ये मेरे फोटो देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं और फॉलो भी कर लें। शिवा भाई ने आज फोटो की रैली बना दी खिंचवाते खिंचवाते, और मैंने एक रील भी बनाई है ऐसी मजे मजे में। गाइस मैंने एक रील भी बनाई है ऐसी मजे मजे में, वो भी आप देख सकते हैं, और एक रील और बना सकता हूँ मैं अगर टाइम मिला तो। चलें घर। तो गाइस पोपट तो हो चुका है, हर्बल पार्क जाने का मन था तो हर्बल पार्क तो गए नहीं, तो ऐसे ही मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बात। हर्बल पार्क हर्बल पार्क कभी और चले जाएं, हर्बल पार्क कभी और चले जाएंगे, हम तो मुरादाबाद में रहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हर्बल पार्क सैटरडे या संडे में नहीं आना है, क्योंकि जो मेरा फ्री डे होता है वो सैटरडे संडे होता है, वैसे मेरे ट्यूशन से। तो चलिए चलते हैं अब घर, लाइए हेलमेट दे दो सर अभी। तो गाइस देखिए शिवाई से बाइक, गाइस मुझे बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, वो इसमें फ़ोटो नहीं खिंचवाया हमने क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता मिला ही नहीं। कहाँ से यहाँ से कैसे कूदेगा के नीचे? देखिए बिल्डिंग ही बिल्डिंग भाई। जल्दी है हम अपने घर वापसी, अब हम किसी और दिन आएंगे हर्बल पार्क। हमारा दो बार प्लान कैंसिल हो चुका है हर्बल पार्क का, एक बार हम आ रहे थे तो काफ़ी रात हो गई थी इसलिए हम आए नहीं, और आज आए तो हर्बल पार्क ही बंद निकला। तो लगता है हर्बल पार्क नाराज है हमसे शिवा भाई। तो देख सकते हैं शिवा भाई का व्यू दिखाता हूँ आगे। हाय गाइस, इधर देख लो आगे, रुक जाओ सर, रुक जाओ। अरे सर सर चलाओ देखिए, जो मारुति की सारी गाड़ियां जो नई आती हैं वो यहाँ खड़ी होती हैं, देखिए खुले में, तो यही शोरूम में जाती हैं। ये गागन पे है इसका मतलब जो रखने का है, ये मुझे आपको कुछ दिखाना था, तो देख सकते हैं वो सब कार से और सभी मारुति की कार होंगी, जो अभी हमने शोरूम भी दिखाया था मारुति सुजुकी अरीना का, ये सब उसकी कार हैं। तो चलिए चलते हैं घर, अब हम फिर से गागन के चौराहे पर हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं चाउमीन खाने भैया के पास, तो अभी भैया लगा रहे हैं। कितनी देर लग जाएगी भैया? टाइम लगेगा लगभग 10-5 मिनट। तो 10-5 मिनट में भैया चाउमीन बना देंगे। चलिए जब चाउमीन आती है मैं दिखाता हूँ। गाइस घर आ चुके हैं, आपने ब्लॉग में देखा होगा हर्बल पार्क निकला बंद,
पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, काफ़ी बार हमारे साथ पोपट हो चुका है। एक बार ऐसे हम सुपरमार्केट गए थे तो वो बंद निकली थी, और आज हम हर्बल पार्क गए वो बंद निकला है। तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।